भाइयों नमस्कार। थोड़ा सा जो है किसान भाई से परिचय लेंगे। भाइयों यह ट्रैक्टर जो है 5620 70 HP के साथ में है। बंद कर लो भैया जी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप थोड़ा सा किसान भाइयों को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम तरुण चौधरी, गांव सांधन, तहसील मवाना, जिला मेरठ। ये ट्रैक्टर आपने कब लिया? ये 1 जनवरी को निकाला था, 2022 में। 1 जनवरी को। अच्छा, तो इससे पहले आपने कौन सा ट्रैक्टर रखा? यूरो 50, फार्म ट्रैक 60, फार्म ट्रैक 60-55 जी, एस्कोर्ट 35, ये ट्रैक्टर है। अच्छा, अब आपने ये लिया? अब ये लिया। ये 4x4 में तो आपका पहला ट्रैक्टर होगा? हाँ, 4x4 में पहला। तो जैसा आप 4x2 ट्रैक्टर चला रहे थे उसके मुकाबले आपको 4x4 ज़्यादा बेटर लगा? ये 4x4 हमने ये चिजलर के अकॉर्डिंग स्पेशल लिया है उसके लिए जी, जो गहरी जुताई के लिए, जो क्योंकि अब किसान क्या आदमी रूटर से जुताई ज्यादा हो रही है, खेत खुलते नहीं। आज मतलब फसल कटी है, कल को रूटर लगाया, फसल बो दी जी, तो खेत खुला छूटा है। खुला छूटने के बाद में जब तक चिजलर की गहराई 2 फुट के लमसम में अगर खेत ना जुते तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में बताओ, ट्रैक्टर कितने HP का है, कितने सिलेंडर? इंजन जो है वो 65 HP में है जी, और 5 इसकी टर्बो की है, तो ये 70 HP में है। 70 HP, 5620 मॉडल है। 5620, एक इसमें 5630 भी है। 5630 है वो 18 के टायर के, उसमें पिछले जो टायर हैं वे सिर्फ 18 के हैं, बस इतना फर्क है। अच्छा, इंजन वगैरह सब सेम? इंजन सब सेम है। तो ये 4 सिलेंडर में है, 3 में? 3 सिलेंडर में, 3 में। हाँ जी। तो जैसे भैया आप इसे चला रहे हो किराए पे, किसकी चीज पे चलाओ आप इसे? हम इसे टीलर पे और चिजलर पे चलाते हैं। चिजलर पे। तो क्या एवरेज आ जाए इसका डीजल का? डीजल का एवरेज इसका चिजलर पे है 1 घंटे में 9 लीटर के लमसम, 8 लीटर 9 लीटर ले जा। कितने RPM पे चलाओ आप? 1500 पे। 1500 पे। हाँ। तो मतलब लोड के हिसाब से हम चलाते हैं, 8-9 लीटर अगर डीजल ले रहा है तो इसकी गहराई 1.5 से 2 के लमसम में रहेगी। 1.5 से 2 फुट। 2 फुट जी। तो जैसा आप इसे चला रहे हो तो आप संतुष्ट हो ट्रैक्टर? हाँ, संतुष्ट हैं। कोई दिक्कत नहीं? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। तो किसान भाइयों, भैया ने बहुत ही सटीक जानकारी दी और अभी आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे हम। चलो चला दो भैया। ये है डेमो लेने खेत में और देख सकते हैं पीछे यूरो 50 भी है हमारे साथ में। 4x4 है ट्रैक्टर भाइयों, ट्रैक्टर आ गए हैं, अब देखेंगे दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये भाइयों यूरो 50 है, अगले वाला 5620 है, देख सकते हैं। भाइयों आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जो है टीलर पे चल रहा है, 11 टाइन का टीलर है इसका। और एक बात आप गौर से देख सकते हैं, ट्रैक्टर स्लिप मार रहा है बिल्कुल। मैं आपको आज वीडियो बनाने का एक मोटिव है, थोड़ी सी भाइयों टोपलिंग खुलवाऊंगा क्योंकि टीलर जो है थोड़ा सा आगे से डाउन जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं लाइट वगैरह जो है कितनी जबरदस्त है ट्रैक्टर की। RPM कितने RPM पर रखोगे भैया? 1500 पे रखियो भैया। ट्रैक्टर जो है 4x2 पे चलेगा, आप देख सकते हैं आप। और 11 टाइन का टीलर है इसके पीछे मित्तल वालों का। स्लिप ले रहा है अभी, आप देख सकते हैं जैसे ये चल रहा है तो स्लिप ले रहा है।
और 11 टाइन का टीलर है। अब मैं भाइयों इसका जो हूँ एक बार भैया से कह के 4x4 लगवा देता हूँ। यो कौन से गियर में चल रहा भैया? वो चल रहा जी दूसरे के मीडियम में। दूसरे के मीडियम में। अब आप इसे 4x4 में इसी गियर में चलाओ भाई। यहाँ से जो है लीवर बदल दिया भैया ने। भाई अब आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है 4x4 पर आ गया है और किसी तरह की बिल्कुल भी स्लीपिंग जो है ट्रैक्टर की बंद होगी और ट्रैक्टर की भाइयों स्पीड भी बढ़ गई। आप एक बात देख सकते हैं गौर से, जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बाहर की तरफ थोड़ा सा हो जाता हूँ। ये देख सकते हैं आप इसके ट्रैक्टर के जो है अगले टायर भी जोर लगा रहे हैं और टीलर ट्रैक्टर ने पूरा नीचे उतार दिया। भाई ट्रैक्टर दूसरे के मीडियम में करीब 1500-1600 आरपीएम पे चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्लिप भी नहीं हो रहा। मैं एक बार ट्रैक्टर पर ऊपर बैठूंगा। दूसरे के मीडियम में था ना? दूसरे के पहले के हाई में अगर चलाओगे तो कितने आरपीएम चलेगा? पहले के हाई में भी ऐसी कितने आरपीएम कितने ग्रोथ करें भाई? वो 1500 का है तो आरपीएम ग्रोथ करे ट्रैक्टर ने बस। और आप देख सकते हैं ऊपर से कितना जबरदस्त चमक रहा ट्रैक्टर। देख सकते हैं बम्पर भी कितना अच्छा लगवा रखा किसान ने। भाइयों हमारे यहाँ जो है जिला मेरठ में खेत जो है छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर मान के चलो आपके पास में बड़ा ट्रैक्टर है तो इतने बड़े ट्रैक्टर को कम से कम 25 बीघे मान के चलो 5 एकड़ आपको कम से कम जमीन चाहिए, तब ट्रैक्टर का आपका बहुत ही अच्छा एवरेज निकलेगा। जैसा परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्रैक्टर 70 HP के साथ में है, टीलर 11 टाइन का है, बिल्कुल अच्छा ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसका सही एवरेज निकालना चाह रहे हैं ट्रैक्टर का तो भाइयों आप कम से कम 10 बीघे में इसे जुताई पर डाल लोगे तो इसका जुताई का एवरेज जो है डीजल का बिल्कुल सही बनेगा। ये देख सकते हैं आप भाइयों ट्रैक्टर चलता फिरता भाइयों ऐसा लग रहा है जैसे जहाज हो। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।